साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने, अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी और मैं आज आपको एक दूसरे प्रोडक्ट की और ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मैं ये देखिए, जो सीज़न चल रहा है, ये एक ऐसा सीज़न है इस समय कि काफ़ी लोगों के घरों में बुखार आ रहा है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में मेरे पास इस तरीके का मरीज आते हैं कि बुखार आ रहा है तो हम कैसे ठीक हों, कुछ ऐसा इलाज मिले जिससे हम जल्दी से ठीक हो जाएं। उनको नहीं पता है कि वैदिक आयुर्वेद क्योर ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया है कि आपका बुखार उससे जा सकता है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट तैयार किया है, मेरे पास इससे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। मैं इसके, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने आज आपको दोबारा से, मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, वैदिक आयुर्वेद क्योर फैमिली चैनल के माध्यम से आपको दोबारा से मैं ये समझाने आया हूँ कि एक ख़ास तौर से जो मैं प्रोडक्ट अब आपको समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और ख़ास तौर से इस समय की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस समय ये प्रोडक्ट, मैं आपको कोई दो तीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए जैसे ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। नंबर एक है ये फीवर गार्ड, देख रहे हैं, फीवर गार्ड एडवांस आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर फीवर एंड पेन। ये दूसरा एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दूसरा एक प्रोडक्ट है आयुर कफ, हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हर्बल कफ सिरप। और तीसरा एक प्रोडक्ट मैं आपको और साथ के साथ इसमें परिचय करा रहा हूँ, वह है आयुर तुलसी सत, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ तुलसी लीव्स। दोस्तों ये तीन प्रोडक्ट हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट, आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप ये तीनों प्रोडक्ट सभी लोग अपने घर में खरीद के रखें। क्यों? क्योंकि कब बुखार आएगा किसी को पता नहीं है, कब किसको खांसी होगी किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, बुखार से घबराइए मत दोस्तों, बुखार आपका दोस्त होता है, याद रखना। बुखार को अगर आप भगाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से बुखार आया है वो प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी, और वो प्रॉब्लम जिस समय ठीक हो जाएगी तो बुखार खुद ब खुद चला जाएगा। तो आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, दे रहा हूँ, ये आपके बुखार को तो ठीक करता ही करता है, साथ में जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बुखार आ रहा है उन पर भी इसका काम शुरू हो जाता है, और जैसे ही उन पर काम शुरू होता है तो ये चला जाता है, ठीक है। तो वो ये एंटी मलेरिया है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। आज की तारीख में वायरल फीवर चल ही रहा है और इसके अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें डली हुई हैं कि बुखार खुद ब खुद चला जाता है। जैसे मैं बताऊँ आपको तो इसके अंदर है पपीता, तुलसी, गिलोय, अनार, अनार चाल, अर्जुन छाल, अनार छाल, अर्जुन छाल, दशमूला रिष्ट का होता है दशमूल, अश्वगंधा, शतावरी, हल्दी, एलोवेरा, जीवंती, नीम और शुगर इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसके अंदर, एक एक चीज़ें की मैं बात करता हूँ। पपीता आप जानते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, तुलसी इससे बड़ी कोई एंटी बैक्टीरियल कोई चीज़ है नहीं, जो मलेरिया जैसे, डेंगू जैसे बहुत सारे वायरल को ये मारता है, ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है तुलसी। गिलोय, गिलोय आप जानते हैं गिलोय की पावर, गिलोय को तो आज की तारीख में भारत सरकार ने औषधि का नाम दे दिया है, रजिस्टर्ड औषधि हो गई है। ऐसी अनार और अनार का छाल ये बहुत बढ़िया होता है, अर्जुन छाल ये वैसे भी हमारी हार्ट को भी लेके हम बहुत सारे लोग इसको अर्जुन छाल का उपयोग करते हैं। दशमूल, दशमूल बुखार को भगाता है, दशमूल के नाम से दशमूल अरिष्ट हमारी मेडिसिन भी आती है आयुर्वेद के नाम से, तो दशमूल बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शतावरी ये खुद अपने आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हल्दी ये आपका, ये भी आपके बॉडी पेन को कम करता है और अंदर से जितने भी एंटीबायोटिक भी है ये उसको ठीक करता है। एलोवेरा भी इसके अंदर है, यानी सारे अमीनो एसिड्स भी आपको मिल रहे हैं। और जीवंती, नीम, नीम बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, कैसे ना काम करे ये, मेरे पास इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए। खासतौर से कोरोना टाइम में मेरे पास जब भी पेशेंट आते थे मैं उनको एक ये प्रोडक्ट दे दिया करता था,
और एक कफ सीरप दे दिया करता था। इन दो प्रोडक्ट से ही वो लोग ठीक हो गए, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल दो से ही ठीक हो गए थे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फीवर गार्ड, ये रियल में आपके घर में होना चाहिए और सभी के पास ये होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बुखार आ सकता है। तो इसकी जो डोज़ है वो क्या है, 10-10 ml खाली पेट सुबह दोपहर शाम इसको लेना है। साथ में अगर आपकी अंदर उस समय में खांसी हो रही है तो खांसी के लिए हमारा कफ सिरप बहुत ही अच्छा है, जो मैंने आपको दिखाया ये कफ सिरप। इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कफ सिरप के अंदर। अगर आप कफ सिरप की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छी करने वाली चीज़ें इसके अंदर हैं। हनी इसके अंदर है, सौंठ इसके अंदर है, मुलेठी इसके अंदर है, ऐसी बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करती हैं, खांसी को भी दूर भगाती हैं। तो ये भी 10-10 ml दिन में 3 बार लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ढक्कन है उसके हिसाब से, अब और साथ में आ जाता है हमारी सबसे सुपर मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं तुलसी सत। ये दोस्तों ये तुलसी सत बहुत काम का है, इसके अंदर मॉलिकुलर फॉर्म के अंदर है, 500 पत्तों में से 2 बूंद निकलता है तब तुलसी सत बनता है, आप समझ सकते हैं। ये ऐसी असाधारण चीज़ नहीं है, बहुत काम की चीज़ है, इसीलिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये नेचुरल है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये नेचुरल है। तो इसकी 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार, 2 से 3 बार इसको लेंगे तो अपने आप से हमारा ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ अपने आप से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट को अपने घर में रखें, हमेशा रखें, 12 महीने, कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत ये उसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट कैसे लगे इसके बारे में आप ज़रूर मुझे बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से, और आपको मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें या नहीं करें, आपको अच्छा लगता है तो करें और नहीं लगता है तो नहीं भी करें लेकिन मुझे ये पता है कि ये आपके काम की चीज़ है, अगर करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय वैदिक आयुर्केयर, जय स्टोर इंडिया, जय टीजर कैफे।